गाइस कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है गाइस आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है गाइस लोकित और आप देख रहे हैं यात्रा व्लॉग्स विद लोकित। तो गाइस सबसे पहले मैं आप सभी से एक ही चीज कहना चाहूंगा, ये मेरे चैनल पर पहली वीडियो है तो ज्यादा से ज्यादा अपना प्यार दिखाएं, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस आज हम लोग जा रहे हैं राजस्थान के भिवाड़ी के मिलकपुर गांव में, जा रहे हैं बाबा मोहन राम जी के मंदिर में। चलिए गाइस शुरू करते हैं वीडियो और दिखाते हैं आपको बाबा मोहन राम जी का मंदिर। चलिए गाइस। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं बाबा मोहन राम जी के मंदिर में और ये गाइस सामने रही बाबा मोहन राम जी की पहाड़ी और राइट साइड में गाइस आपको बाबा मोहन राम जी का मंदिर भी दिख रहा होगा व्हाइट कलर का। तो गाइस देखिए कितनी सुंदर पहाड़ी है बाबा जी की और देखिए गाइस राइट साइड में बाबा जी का मंदिर है जो पहाड़ी पे बना हुआ है, देखिए गाइस व्हाइट कलर का। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर में, चलिए गाइस अब चलते हैं अंदर। तो गाइस हम यहां से प्रसाद ले रहे हैं फिर चलते हैं गाइस मंदिर के अंदर प्रसाद लेके। तो गाइस हमने प्रसाद ले लिया है, देखिए गाइस वो रहा सामने मंदिर, पहाड़ी पे बना हुआ है गाइस मंदिर। चलिए गाइस चलते हैं अंदर और आपको ऊपर पहाड़ी पर सारी चीज़ें दिखाएंगे जहाँ बाबा जी रहा करते थे, जहाँ बाबा जी के घोड़े के खुर के निशान हैं और जहाँ बाबा जी की सुरंग थी। तो गाइस मंदिर के अंदर जाने से पहले हमें मेन गेट पे गौशाला दिख गई है, देखिए गाइस कितनी सारी गायें हैं अंदर। तो गाइस ऊपर मंदिर में जाने से पहले हम नीचे आए हैं, नीचे भी कुछ मंदिर बने हुए हैं। तो ये है गाइस बजरंगबली जी का मंदिर, देखिए गाइस ये बजरंगबली जी का मंदिर है, इसके बाद दिखाते हैं गाइस दूसरा मंदिर। तो गाइस नीचे भी एक बाबा मोहन राम जी का मंदिर बना हुआ है, देखिए गाइस कुछ ऐसा दिखता है, देखिए गाइस। देखिए गाइस बाबा मोहन राम जी अपने नीले घोड़े पे सवार है, कितनी प्यारी मूर्ति दिख रही है गाइस बाबा जी की, आपको थोड़ा फोकस करके दिखाता हूँ गाइस, फोकस नहीं हो रहा अभी। देखिए गाइस बाबा मोहन राम जी अपने नीले घोड़े पे सवार है, कितनी प्यारी मूर्ति है गाइस बाबा जी की। तो गाइस चलते हैं अब मेन मंदिर में जो पहाड़ी पर बना हुआ है और चलकर आपको दिखाते हैं गाइस सारी चीज़ें। ऊपर गाइस अखंड ज्योत भी जल रही है, अखंड ज्योत गाइस वो होती है जो हमेशा जलती रहती है, जो सदियों से जलती आ रही है। तो चलिए गाइस दिखाते हैं आपको ऊपर सारी चीज़ें और फिर चलते हैं गाइस ऊपर पहाड़ी पर भी। तो गाइस देख सकते हैं आप काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु आए हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है गाइस श्रद्धालुओं की। तो चलिए गाइस चलते हैं हम भी ऊपर, बाबा जी के दर्शन करेंगे, उनकी ज्योत के दर्शन करेंगे। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं ऊपर मंदिर में और देख सकते हैं गाइस आप कितने ज्यादा श्रद्धालु आए हुए हैं। तो देखिए गाइस कितनी ज्यादा भीड़ है यहाँ पे श्रद्धालुओं की। तो चलिए गाइस हम भी चलते हैं आगे की ओर और बाबा जी की अखंड ज्योत के दर्शन करते हैं और फिर गाइस प्रसाद भी चढ़ाएंगे। तो गाइस हमने प्रसाद चढ़ा लिया है और देखिए गाइस सामने ये बाबा जी अखंड ज्योत जल रही है। तो गाइस यहाँ पे एक पाइपलाइन के जरिए घी आ रहा है ज्योत में। तो ये है गाइस मंदिर का एग्जिट,
अब यहाँ से चलते हैं गाइज ऊपर पहाड़ी की ओर। अगर जो श्रद्धालु ऊपर नहीं जाना चाहता पहाड़ी पे, तो यहाँ से गाइज नीचे की ओर जा सकता है। राइट साइड से नीचे की ओर रास्ता है गाइज, और लेफ्ट साइड से गाइज ऊपर पहाड़ी की ओर रास्ता जाता है। तो जाते जाते गाइज एक बार हम आपको मंदिर और दिखा देते हैं। चलिए गाइज चलते हैं आगे पहाड़ी की ओर। तो गाइज यहाँ से जाता है पहाड़ी का रास्ता, राइट साइड से तो गाइज जाता है नीचे की ओर, और लेफ्ट साइड से जाता है गाइज ऊपर पहाड़ी की ओर। तो चलिए गाइज चलते हैं ऊपर पहाड़ी पर, आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे गाइज। ऊपर बाबा जी के घोड़े के खुर के निशान और जहाँ बाबा जी की सुरंग थी वो भी दिखाएंगे। चलिए गाइज चलते हैं ऊपर। तो रास्ते में दो तीन गाय भी खड़ी हैं गाइज, देखिए ऊपर कुछ ऐसा पथरीला रास्ता है गाइज, और आपको नज़ारा भी दिखाते हैं गाइज, कुछ ऐसा जंगली झाड़ी वाला नज़ारा है गाइज। चलिए गाइज चलते हैं आगे पहाड़ी की ओर। तो कुछ ऐसा पथरीला रास्ता है गाइज, देखिए काफ़ी ज़्यादा पत्थर है। देखिए गाइस कितना मुश्किल भरा रास्ता है, कितने ज़्यादा पत्थर पड़े हैं देखिए गाइस। तो चलिए गाइस इस मुश्किल भरे रास्ते को पार करते हैं और चलते हैं गाइस ऊपर। देखिए गाइस कुछ ऐसा नज़ारा है ऊपर पहाड़ी पर। चलते हैं अब आगे की ओर। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं ऊपर पहाड़ी पर। तो देखिए गाइस ऊपर मंदिर का काम चल रहा है, देखिए गाइस यहाँ पे काम चल रहा है। तो गाइज़ यहाँ पे पहले गौशाला रहा करती थी, वो गौशाला नहीं दिख रही, काफ़ी ज़्यादा गाय रहा करती थी, वो गाय नहीं दिख रही है। मैं पहले भी दो तीन बार आ चुका हूँ गाइज इस मंदिर में। इधर गाइज दो तीन गाय बैठी तो हैं राइट साइड में, देखिए गाइज दो गाय बैठी हैं, हो सकता है गाइज गौशाला कहीं शिफ्ट कर दी हो, पहले यहाँ गौशाला हुआ करती थी गाइज। तो यहाँ पे भी गाइज एक अखंड ज्योत और जल रही है, तो गाइज चलते हैं अंदर और आपको दूसरी अखंड ज्योत के भी दर्शन करवाते हैं। चलिए गाइज चलते हैं अंदर। तो गाइज हमने अंदर अखंड ज्योत के दर्शन कर लिए हैं, अब चलते हैं गाइज आगे की ओर। तो यहाँ पे गाइज कुछ इंस्ट्रक्शंस लिख रखे हैं, पहाड़ी पे जाने वाले भक्तों से निवेदन है पहाड़ी की गायों के लिए बाल्टी या बोतल से पानी लेकर ऊपर जाएं। तो गाइज आते टाइम इन इंस्ट्रक्शंस को जरूर।
नीचे का नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है गाइस, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है ये गाइस, भिवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया है। तो हमें ऊपर पहाड़ी पे कुछ ऐसा नया नज़ारा देखने को मिल रहा है, हम पहली बार देख रहे हैं ऊपर, कुछ साइंस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रखा है और आगे भगवा रंग लहरा रहा है, आगे साधु संत बैठे अपनी तपस्या कर रहे हैं और दो तीन कुटिया भी हैं, देखिए गाइस आगे तपस्या कर रहे हैं साधु संत जी और ऊपर भगवा रंग लहरा रहा है। तो हम पहली बार देख रहे हैं गाइस ये चीज़ें, हम नई देखने को मिल रही हैं, अगर किसी भाई बंधु को पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं गाइस। तो चलिए चलते हैं अब आगे की ओर और आगे आपको दिखाते हैं जहां बाबा के घोड़े के पैरों खुर के निशान हैं और जहां बाबा जी की सुरंग है, जहां बाबा जी रहा करते थे। रास्ते में काफ़ी छोटे छोटे पत्थर हैं और कांटे हैं, काफ़ी मुश्किल भरा रास्ता है लेकिन काफ़ी मज़ा भी आ रहा है गाइज। तो चलिए गाइज चलते हैं आगे, लेकिन ये काफ़ी मुश्किल भरा रास्ता है, जो श्रद्धालु लोग आते हैं उन्हें भी काफ़ी दिक्कतें होती हैं इस रास्ते में, देखिए गाइज कितने छोटे छोटे पत्थर हैं। तो चलिए चलते हैं आगे और बाबा जी के घोड़े के खुर के निशान दिखाते हैं और बाबा जी की सुरंग भी दिखाएंगे। तो देखिए गाइज ऊपर से कितना खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है, नीचे का कितनी खूबसूरत पहाड़ी दिख रही है। तो आप लोग भी ज़रूर आए गाइज, ज़रूर देखें, काफ़ी शांति भरा इलाका है। वीडियो में शायद वो खूबसूरती नहीं दिख सकती जो आकर देखने में, तो आप लोग भी ज़रूर आए गाइज, ज़रूर बाबा जी के दर्शन करें। तो फाइनली गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं उस जगह पर जहां का आपको बेसब्री से इंतज़ार था। तो यही है गाइज वो जगह जहां पर बाबा जी के घोड़े के खुर के निशान है, देखिए गाइज कितनी ज़्यादा भीड़ है यहां पे श्रद्धालुओं की। चलिए हम भी चलते हैं नीचे और दिखाते हैं आपको बाबा जी के घोड़े के खुर के निशान। तो नीचे एक मंदिर बना हुआ है और साधु बैठे हैं वहाँ पर मंदिर में। तो देखिए गाइज ये हैं बाबा जी के घोड़े के निशान, देखिए गाइज पहला निशान ये रहा, काफ़ी गहरा है गाइस, देखिए दूसरा निशान ये रहा गाइस पीछे और इसके बगल में तीसरा निशान है, देखिए गाइस कितने गहरे। तो गाइस इनकी ऐसी मान्यता है जो श्रद्धालु इन निशानों में पैसे ढूंढ लेगा तो उस श्रद्धालु की मन्नतें ज़रूर पूरी होंगी, देखिए गाइस कितने गहरे गहरे निशान हैं ये घोड़े के। तो बाबा जी लास्ट बार यहीं देखे गए थे अपने घोड़े के साथ, उनके घोड़े ने यहीं से छलांग लगाई थी और उनके पैरों के निशान यहीं रह गए। तो देखिए गाइस एक आंटी अपनी किस्मत आजमा रही है, वे पैसे ढूंढ रही है, अगर इन्हें पैसे मिल जाएंगे तो जो इनकी मन की इच्छाएं हैं, जो इनके अंदर की इच्छाएँ वो ज़रूर पूरी होंगी गाइस। तो सामने गाइस एक अंकल भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, देखिए गाइस कितना खूबसूरत नज़ारा है, एक निशान ये रहा गाइस, काफ़ी गहरा निशान है गाइस ये। तो यहाँ पर घोड़े के चार निशान है गाइस। तो हमने आपको बाबा के घोड़े के पैरों के निशान भी दिखा दिए। तो अब चलते हैं आगे की ओर जहां बाबा जी रहा करते थे, जहां बाबा जी की सुरंग है। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रास्ता दिखा देता हूं, कुछ ऐसा मुश्किल भरा रास्ता है गाइज, काफ़ी बड़े बड़े और छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए हैं, देखिए गाइज कितना मुश्किल भरा रास्ता है गाइज। तो चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको सुरंग। तो हम लोग नीचे की ओर आ चुके हैं और देखिए गाइस कैसे पहाड़ी काट रखी है, ये पहाड़ी की सुंदरता ख़राब कर रखी है। तो यहाँ के कुछ जो उद्योगपति हैं गाइस, उन्होंने ये पहाड़ी काट रखी है, इस पहाड़ी की सुंदरता ख़राब कर रखी है, तो काफ़ी गलत चीज़ है गाइस, देखिए कितनी ज़्यादा पहाड़ी काट रखी है ये। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं बाबा जी की सुरंग के पास, देखिए गाइस वो रही बाबा जी की सुरंग सामने। तो यहाँ पे गाइस बाबा जी अपनी सुरंग में रहा करते थे, देखिए गाइस ये है बाबा जी की सुरंग। तो पहले तो गाइस काफ़ी बड़ी हुआ करती थी ये सुरंग, लेकिन अब पहाड़ी काट दी है तो अब ये छोटी रह गई है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। आपको जो पीछे वाइट कलर के पत्थर दिख रहे हैं तो बस ये इतनी गहरी रह गई है गाइस, पहले तो काफ़ी बड़ी हुआ करती थी, काफ़ी गहरी हुआ करती थी गाइस ये सुरंग। तो आस पड़ोस का कुछ ऐसा नज़ारा है गाइस, देखिए चारों ओर से कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है, ये श्रद्धालु निकल के आ रहे हैं गाइस। तो पहले तो गाइस ये सुरंग ज़्यादा बड़ी हुआ करती थी, लेकिन अब ये छोटी सी रह गई है, पहले बताया जाता था कि काफ़ी गहरी हुआ करती थी गाइस ये सुरंग, लेकिन अब ये छोटी सी रह गई है, वाइट कलर के जो पत्थर आपको दिख रहे हैं बस इतनी रह गई है ये।
तो गाइस कैसी लगी आपको बाबा जी की यात्रा, उनकी पहाड़ी की यात्रा? हमने आपको मंदिर दिखाया, अखंड ज्योत दिखाई, फिर ऊपर भी एक और अखंड ज्योत जल रही थी वो भी दिखाई, फिर उसके बाद झोड़ दिखाई, फिर हमने आपको बाबा जी के घोड़े के पैरों के निशान दिखाए, फिर उसके बाद हमने आपको सुरंग दिखाई। तो कैसी लगी गाइस पूरी वीडियो? तो कुछ गलती होगी हो गाइस या कोई पार्ट रह गया हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर नीचे बताएं गाइस। आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो गाइस ये मेरे चैनल पे पहली वीडियो थी, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दिखाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।